सत श्री अकाल जी, चढ़दी कला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन दे विच। मैं हाँ तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा, तो शुरुआत विच एक नज़र मार लैंदे हाँ खास खबरों ते। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर विच सुरक्षा दस्तियां की घेराबंदी ते तलाशी मुहिम दौरान अतवादियों नाल होए मुकाबले विच दो अतवादी हलाक। हवा प्रदूषण के मामले ते सुप्रीम कोर्ट विच सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं दित्ती हदायत, कहा दिल्ली NCR विच स्मोग ना होवे। चंडीगढ़ विच पटाके वेचण ते चलाउण ते लाई गई पाबंदी, यूटी प्रशासन दे आफत प्रबंधन अथारिटी दे कार्यकारी अथारिटी ने कोरोना दे कारण लिया फैसला। हुण खबरां विस्तार नाल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर विच सुरक्षा दस्तियां की घेराबंदी ते तलाशी मुहिम दौरान अतवादियों नाल होए मुकाबले विच दो अतवादी मारे गए ने ते एक होर अतवादी ने आत्म समर्पण कर दिता है। इस मुकाबले विच एक नागरिक की मौत भी हो गई है। अधिकारित सूत्रां ने शुक्रवार सवेरे इस गल की जानकारी दी है। सूत्रां के मुताबिक अतवादियों की मौजूदगी बारे खुफिया जानकारी मिलन ते वीरवार शाम नूं पुलवामा जिले के मीघलालपुरा पंपोर विच राष्ट्रीय राइफल केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स ते जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष मुहिम समूह ने सांझी तलाशी शुरू की थी। रात के हनेरे के कारण वीरवार को मुहिम रोक दी गई, जिसनों शुक्रवार सवेरे सुरक्षा दस्तिया ने मुड़ शुरू किया। सुरक्षा दस्तिया के जवान जदों एक निश्चित स्थान वाल वध रहे सन तो पहला तो लुके हुए अतवादियों ने गोलीबारी की, जवाबी कार्रवाई की, जिस विच दो अतवादी मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं यह यकीनी करन लई कहा है कि दिल्ली NCR विच स्मोग ना होवे। इस तो पहला अदालत नूं सूचित किया गया कि हवा गुणवत्ता प्रबंधन अज तो काम शुरू कर देवेगा। चीफ जस्टिस SA बोबड़े, जज AS बोपन्ना ते जज V राम सुब्रमणियम दी बेंच ने इस दे नाल ही हवा प्रदूषण नाल संबंधित पटीशनां नूं दिवाली छुट्टी तो बाद सूचीबद्ध कर दिता। केंद्र ने दिल्ली के सबका मुख सकत्र MM कुटी नूं राष्ट्रीय राजधानी खेत्र ते इस दे नाल लगदे इलाकों विच हवा गुणवत्ता प्रबंधन कमिश्नर ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। आखिरकार चंडीगढ़ विच पटाके वेचण अते चलाउण ते पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। यूटी प्रशासन दे आफत प्रबंधन अथारिटी दे कार्यकारी अथारिटी ने कहा है कि यह फैसला आपदा प्रबंधन एक्ट दे तहत लिया गया है। प्रशासन ने प्रशासक VP सिंह बदनौर तो मंजूरी मिलने तो बाद फैसला लिया है। दस दिए कि पाबंदी दे नाल पटाके वेचण लई जारी किए गए 96 लाइसेंस भी रद्द किए जाएंगे। इन्हां नूं रद्द करन दी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के मद्देनज़र यूटी प्रशासन ने पटाकों ते पाबंदी लाने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार ने अपने 3 नवंबर करतारपुर बारे आदेश विच तब्दीली कर दी है। जिहड़े 9 मुसलमान मैंबर पहला गुरुद्वारा करतारपुर साहब के प्रबंधन लई नियुक्त किए गए सन, हुण ओह करतारपुर गुरुद्वारे के प्रबंधन विच दखल नहीं देणगे। जिक्रयोग है कि इमरान खान सरकार ने करतारपुर साहब के गुरुद्वारा दरबार साहब का अधिकारित तौर पर अपना कब्जा किया है। पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो अपना कब्जा लै लिया है, तो इस नूं इवोक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड के हवाले कर दिता है। यह पहली बार होया है जदों पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा दरबार साहब के प्रबंधकी अधिकार गवाए ने। यह कदम पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 9 नवंबर को करतारपुर गुरुघर के उद्घाटन की पहली वरेगंढ के आयोजन करने की योजना तो बिल्कुल पहला किया गया है। सूबे भर के सरकारी प्रायमरी और प्री प्रायमरी नूं प्रोजैक्टर LED TV ई कंटेंट और सूचना तकनोलॉजी सिक्ख्या दीआं सहूलतां ते बुनियादी ढांचे दी नुहार बदल के समय दिहाड़ी मनाउण दे लई स्थापित किए गए स्मार्ट स्कूलों का 7 नवंबर नूं वीडियो कॉन्फ्रेंस के राही मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह उद्घाटन करनगे। ऑनलाइन उद्घाटन प्रोग्राम नूं सफलतापूर्वक नेपरे चाढ़न दे लई सिक्ख्या मंत्री पंजाब विजेंद्र सिंगला ते सिक्ख्या सकत्तर पंजाब कृष्ण कुमार की अहम भूमिका होवेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र रणिंदर सिंह फेमा कानूनों की उलंघना के मामले में आज भी जलंधर स्थित ED के सामने पेश नहीं हुए। इस बार पेश न होने का कारण सेहत ठीक न होना दसया जा रहा है। रणिंदर पिछले 15 दिनों में दूजी बार ED सामने पेश नहीं हुए। इस बारे रणिंदर के वकील जयवीर शेरगिल ने दसया है कि पंजाब में वाल्मीकि जयंती के समागम में पंजाब सरकार के अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तो बाद उन्होंने खुद को क्वारंटीन किया है। रणिंदर के नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस समागम में शामिल हुए सन। दसनयोग है कि रणिंदर के नाल नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह भी क्वारंटाइन हो गए ने। इस नाल ही खबर है कि रणिंदर नूं बुखार भी है, इस दे लई ED दे दफ्तर विच पेश नहीं होणगे।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ UPSC ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ DGP ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਟ ਦੇ 17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ DGP ਪੱਧਰ ਦੇ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕੈਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ UPSC ਅਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੈਟ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। आम आदमी पार्टी पंजाब दे सीनियर आगू अते विरोधी धिर दे नेता हरपाल चीमा ने अमरिंदर सिंह सरकार कोलों मांग की है कि वह पंजाब विधानसभा का विशेष इजलास सदन जिस दे राही किसानों नूं MSP ते फसलों की गरंटी नाल खरीद बारे कानून पास किया जाए। हरपाल सिंह चीमा प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन कर रहे सन। चीमा ने कहा है कि इस तथ्य नूं कोई भी खेती ज आर्थिक माहर झुठला नहीं सकता कि जदों मोदी सरकार के खेती बारे कानून मुकम्मल रूप में पंजाब के अंदर लागू हो गए तो केंद्र अते पंजाब सरकार दीआं सारीआं सरकारी खरीद एजेंसियां भी कणक अते झोने ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਨੇਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜੂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜੂ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਲਗਭਗ 23 ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆ ਇਹਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੜੀ ਆ, ਜੋੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ 273 ਰੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ, 416 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 600 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਬਾਲਾ ਮੁੱਖ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 232 ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸਵੇਰ 8:30 ਵਜੇ ਔਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇਵੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਲੀਤਾ ਸੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਪੜੋਸਣ ਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਲੜਕੀ? ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਲੜਕੀ ਮੈਰਿਡ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਪਰੇ ਭੁੱਡੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੜੀ ਆ, ਜੋੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਪਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੁੱਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੱਠੀ ਸਿੰਘ ਜੋ 1-2 ਤੀਵੀਆਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਈਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨੇ 273 ਰੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾੜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਾਜੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਸਹੁਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂਟਲੀ ਅਪਸੈਟ ਆ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂਟਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਵੇ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਤਾਰਾ ਇਸ ਲੜਕੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ, ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 8:30 ਵਜੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ, 416 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 600 ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ।
हूँ वो जो भी कोई कार्रवाई बनेगी वो पुलिस प्रशासन करेगा जी। देखो जी ये कोई कह नहीं सकते कुछ इस बारे, क्योंकि ये जदों पहले भी नितनेम शाम सवेरे आ रही है गुरुद्वारा साहब, आके अद्धा अद्धा घंटा बैठ के जाती है तो गुरबाणी सुनती है। ये बारे कोई मैंटली एबसेंट मैं तो कोई ज़्यादा कह नहीं सकता भी ये हो गया। मामला धार्मिक ते गंभीर से, इसलिए डेराबस्सी की DSP डॉक्टर रवजोत कौर आप मौके ते पहुंची इत्थे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुलजम महिला नु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी ठीक है ना, अपना सारे का फर्ज आ, साडा पुलिस का, साडे पुलिस के अफसर का, और यही तय तक जब तक आप रल के एकमुट नहीं होवे तद तक पहुँचना मुश्किल हो जाता। तो साडा टीचा भी यही आ कि असी तह च जाइए, ताडा टीचा भी यही भी तह च जाइए, और जो कसूरवार है उन्होंने आप सजा देनी चाहिए, कि सबक मिले भी कोई हो रही। दस दईए कि चंडीगढ़ अंबाला मुख सड़क उत्ते स्थित पिंड देवी नगर के गुरुद्वारा साहब च श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंगां की बेअदबी करन दी दूजी घटना। पहले इसे पिंड के गुरुद्वारा साहब च साल 2017 च श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग पाड़ के बेअदबी करन दी घटना वापर चुकी है। उस मामले च पुलिस ने पिंड के एक मानसिक तौर पर परेशान नौजवान नूं काबू कीता सी। केंद्र सरकार वालों खेती सुधारों के नाँ से लिया खेती विरोधी कानूनों के खिलाफ चल रहा किसानी संघर्ष भखता जा रहा है। किसान जथेबंदियों ने आज दोपहर बाद रेलवे लाइनों तो अपने धरने चुक ले ने जो हुण माल गड्डियां की आवाजाई बहाल हो सके। मोगा रेलवे स्टेशन से किसानों ने अपने धरने नूं सवेरे ही रेलवे प्लेटफार्म तो हटा के रेलवे के पार्क में लगा दिता। इस नाल ही किसानों का कहना है कि चाहे किसानों ने रेलवे ट्रैक तो धरना उठा दिता है, पर उन्होंने नहीं लगता कि सरकार माल गड्डियां चलाएगी। किसानों ने स्पष्ट कर दिता है कि वह अंबानी अंडानी की ट्रेन किसी भी कीमत लंघन नहीं देंगे। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह ने राजपुरा के सूरल कलां विखे थर्मल प्लांट नूं जांदे ट्रैक तो धरना चुक लिया है। इस तो बाद भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह ने रेलवे ट्रैक तो धरना चुक के राजपुरा थर्मल प्लांट के मेन गेट के बाहर धरना लाया। इस दे अलावा किसानों ने मानसा के पिंड बणावाली विखे स्थापित तलवंडी साबो तापघर की रेलवे पटड़ी तो भी धरना चुक लिया। दसनयोग है कि भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह वालों 23 अक्तूबर तो थर्मल दी लाइनों उपर धरने लगाए हुए सन, जो अज दोपहर तो बाद किसानों ने रेल लाइनों नूं खाली कर दिता है। उधर किसानों वालों रेल लाइना खाली करने तो बाद आम आदमी पार्टी के आगू हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि हुण पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि पंजाब विच रेल आवाजाई की बहाली यकीनी बनावे। देखो किसानों ने मैं समझदा बड़ी अच्छी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए पंजाब के आर्थिक हालतों को देखते हुए जिहड़ा हैगा ट्रैक खाली किए ने गए, और हुण मैं समझदा पंजाब सरकार की केंद्र सरकार की प्राइमरी ड्यूटी बनती है, मुढ़ली ड्यूटी बनती है कि तुरंत जिहड़ियां रेलां चलाईयां जाण, और तुरंत रेलां चला के पंजाब के जिथे जिथे कोला पहुँचना गा, जिथे जिथे होर मटीरियल पहुँचना गा, जिथे जिथे खादा पहुँचनिया है, DAP पहुँचना गा, जिथे पंजाब की किसानी का संबंधित समान पहुँचना गा, वो तुरंत पहुँचाया जाए, और ये हूँ ये फंड बटला किया जाए, हूँ ये कोई मैं समझदा कोई अड़चना खड़िया ना कीतिया जा, तुरंत जिहड़ा हैगा केंद्र सरकार ते पंजाब सरकार लाइनअप करके आपदे आप नूं लयन करके आपदे आप नूं जिहड़ा संपर्क साध के ये जिहड़े रेलां चला के पंजाब की जिहड़ी आर्थिकता डुबदी जा रही है उन्हें बचाया जाना चाहिए। खेती कानूनों के खिलाफ साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू वालों अमृतसर की सब्जी मंडी में खेती कानूनों के खिलाफ रैली की जा रही है। इस मौके नवजोत सिद्धू ने केंद्र सरकार को लंबे हत्थी लैंदिया कहा कि केंद्र वालों लैंदे गए काले कानून किसान मारू ते किसान विरोधी ने। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बदले की भावना नाल ट्रेना बंद कीतियां ने, इस तो साबित हुंदा है कि पंजाब नाल वितकरा कर रही है ते पंजाबियों नूं चुकाउणा चाहुंदी है। उन्होंने कहा कि ना पंजाब चुकेगा ते ना ही किसान चुकेगा। उन्होंने भी कहा कि पंजाब ने करोड़ों रुपए केंद्र तो लैने ने, पर केंद्र साडा ही पैसा सानू वापस नहीं। उन्हें कहा कि केंद्र अपने काले कानून वापस लेने ही पैणगे। इस सिद्धू ने कहा कि किसान पंजाब की रीढ़ की हड्डी ने, कोरोना काल में भी पंजाब के किसानों ने देश का ढिड भरिया है, तो कोरोना काल में पंजाबियों ने किसी को भुखे नहीं रहने दिता। SSP संदीप गोयल अते SP जगविंदर सिंह चीमा उस समय गंभीर रूप में जख्मी हो गए जदों रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्रैक की चैकिंग कर रहे सन। प्राप्त जानकारी मुताबक रेलवे स्टेशन से रेलवे ट्राली से बैठ के उक्त दोवें अधिकारी रेलवे ट्रैक की चैकिंग कर रहे सन, तो अचानक ही ट्राली का टायर निकल गया। इस कारण ट्राली पलट गई तो दोवें अधिकारी गंभीर रूप में जख्मी हो गए। एंबूलेंस राही उन्होंने इलाज लिए सिविल अस्पताल बरनाला लिया गया। घटना की सूचना मिलद्या ही SP H हरवंत कौर, DSP लखवीर सिंह टिवाणा, भारी पुलिस फोर्स लैके अस्पताल में पहुंचे। सिविल अस्पताल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इस संबंधी जानकारी देंदे सिविल अस्पताल के डॉक्टर राज कुमार ने दसिया कि SSP संदीप गोयल और SP की हालत स्थिर है, दोवें अधिकारियों के एक्सरे किए जा रहे हैं, तो एक्सरे तो बाद ही सही जानकारी दी जा सकेगी। मेरी सट SSP साहब किन्नी लगी? SP साहब इन्हों फ्रैक्चर हुए, लैग के फ्रैक्चर है,
ਬਟ ਉਹ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਾਈਟ ਆਊਟ ਵਗੈਰਾ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। अमृतसर के मजीठा रोड से धागे की फैक्ट्री में अग लगन का मामला सामने आया है। इस नाल लखां का नुकसान हो गया। दसिया जा रहा है कि अग शॉर्ट सर्कट के कारण लगी, जिसका पता लगदिया ही अग बुझाऊ अमले ने मौके पर पहुंच के कड़ी मशक्कत के नाल अग पर काबू पाया। फैक्ट्री मालिक ने कहा है कि अग नाल हुए नुकसान का मुकम्मल जायजा लैन तो बाद ही कुछ किया जा सकेगा। त्यौहारों के मौके पर नकली दुध और खोए तो मिठाइया तैयार करके लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सेहत विभाग लगातार कार्रवाइया कर रहा है। आज गुरदासपुर में सेहत विभाग की टीम वालों एक ऑटो को चैक किया गया जो दूसरे जिले से मिठाइया लिया के गुरदासपुर में बेचता है, जिसनों चैक करने से उस 50 किलो के करीब ना खाने योग्य मिठाई बरामद हुई, जिसनों सेहत विभाग वालों मौके पर नष्ट कर दिया गया। बाकी मिठाइया के सैंपल लैके लैबोरेटरी भेज दिए गए। सरहंद पटियाला रोड से पिंड आदमपुर नजदीक मारुति कार और ट्रक दरमियान भयानक टक्कर हुई। इस दौरान वापरे सड़की हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि हादसे में दो बच्चे दे गंभीर रूप में जख्मी हो गए। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना सरहंद के ASI पृथ्वी राज सिंह ने दसिया कि मृतकों की पछाण रमनप्रीत सिंह और उसकी पत्नी हरचरण कौर वजो हुई है, जो पटियाला के गुरु नानक नगर के रहने वाले सन। पंजाबी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल इन्ना ही। हुण तुसीं मैनूं मनदीप कौर खालसा नूं दिओ आ गया। धन्नवाद जी।